हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. नाउ वी स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट. ये चैप्टर क्लास टेंथ का है. इसमें हम आपको बताएंगे चैप्टर में एसिड के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट के बारे में. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एनीथिंग विच टेल अस अबाउट द कलर, मतलब चेंज इन कलर. इंडिकेटर वो होते हैं जो इंडिकेट करते हैं चेंज का थ्रू कलर्स. इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी है. वो डेफिनेशन ये है, एन इंडिकेटर इज़ अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन पुट इनटू एसिड और बेस. एक इंडिकेटर ऐसी डाई होता है जो कि चेंज कर देता है कलर को जब वो एसिड में जाते हैं या फिर बेस में जाते हैं. दूसरी चीज़ ये भी बता रहा है, एक इंडिकेटर टेल अस वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. तीन मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं किसी एसिड और बेस के बारे में. पहला होता है लिटमस, दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज, तीसरा होता है फिनोप्थलीन. अब आप लोग कहोगे इंडिकेटर्स की ज़रूरत क्या पड़ी? अगर हम लोग बात करते हैं एसिड बेस की, तो हमें कैसे पता कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है नेचर में, या वो एसिड है बेस है? तो उसको पहचानने के लिए हमें इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ी. इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर भी होते हैं और मैनमेड इंडिकेटर भी होते हैं. अब हम यहाँ पर सबसे पहले आपको बताएंगे, जैसे मैंने आपको बताया इंडिकेटर्स क्या होते हैं. एक तरह की डाई होता है, और जब हम डाई में एसिड को डालते हैं तो वो कलर चेंज कर लेता है, और बेस को डालते हैं तो भी वो कलर चेंज कर लेता है. तीन मोस्ट कॉमन जो हम अधिकतर यूज़ करते हैं लैब में इंडिकेटर्स, तीन होते हैं, जैसे कि लिटमस है, मिथाइल ऑरेंज है और फिनोप्थलीन है. ये हमारे तीन मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स हैं. नाउ हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट लिटमस. हम लोग लिटमस के बारे में डिस्कस करते हैं कि लिटमस एन एसिड अगर हम एसिड को ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा. बच्चों आपने जब आप लैब में जाओगे तो लैब में लिटमस पेपर रखे होंगे, ब्लू कलर का होगा, और आप उसमें थोड़ा सा भी एसिड डाल दोगे, एसिड मतलब HCl डाल दोगे, HNO3 या H2SO4, तो वो रेड में चेंज हो जाएगा. और वो जो रेड पेपर है ना, आप वेस्ट मत करो, आप रेड लिटमस को जब आप उस पर कोई भी बेसिक सॉल्यूशन डाल दोगे, जैसे NaOH है, MgOH है, आप उसमें जब डाल दोगे तो वो रेड में, रेड जो लिटमस है वो फिर से ब्लू में टर्न हो जाएगा. यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. ऑरेंज जूस या फिर लेमन, आप सबके घर में नींबू तो होगा ही. अब आप क्या करोगे, ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं. सेम यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रेड को ब्लू में चेंज कर देता है. लिटमस कोई भी इंडिकेटर ये हमें बताता है कि वो जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या फिर बेस है. व्हाट डिड एवरीवन? नाउ हम लोग दूसरे इंडिकेटर पे जाते हैं, वो है आपका मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज क्या है? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर हमें क्या करता है, एसिड में रेड कलर देता है, जबकि बेस में वो हमें कैसा कलर देता है, येल्लो कलर देता है. फिर हमारे पास आता है फिनोप्थलीन इंडिकेटर. फिनोप्थलीन इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि वो बेसिकली अगर हम उसे एसिड सॉल्यूशन में डालें तो कलरलेस होता है, और अगर हम उसे बेस सॉल्यूशन में डालें तो पिंक कलर का सॉल्यूशन हमें देता है. तो आप समझ ही रहे होंगे कि इंडिकेटर क्या कर रहा है. डिफरेंट डिफरेंट जगह हमें डिफरेंट डिफरेंट एसिड और बेस में कलर शो कर रहा है. यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो एसिड और बेस दोनों के बारे में बताता है. उस इंडिकेटर को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं. इसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर वर्क करता है. जैसे कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि लिटमस क्या होता है. जैसे रेड लिस्ट जब हम एसिड में डालते हैं तो ब्लू लिटमस रेड में चेंज करता है, ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है. लिटमस सॉल्यूशन भी आता है, अभी तो हमने पेपर की बात की थी, लिटमस सॉल्यूशन भी आता है जो कि पर्पल कलर का होता है. ये एक पेड़ से मिलता है जिसे लिचेन के प्लांट से मिलता है. फिर हमारे पास आता है, जैसे हमने हल्दी जो सबके घरों में मिलती है, कभी खाना खाते समय जब शर्ट पे गिर जाती है, और उसको जब आप लोग शर्ट को सर्फ में भिगोते हो तो वो कैसे कलर को चेंज करती है ना, कुछ ऑरेंजेस शो करती है. तो टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है. फिर अगर हम लोग बात करते हैं रेड कैबेज, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है. इस इंडिकेटर में क्या होता है कि एसिड जो होता है रेड रिमेन रेड ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है. एसिड में अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो नहीं करता. बेस जो होता है रेड को ग्रीन में बदल देता है, ये हमारा रेड कैबेज करता है. फिर आपकी बात आती है ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स की. ओलिफैक्टरी मींस होता है हमारा रिलेटिंग टू स्मेल.
कि कैसी स्मेल आ रही है। कई बार आप देखते हो खाने के पास जाते हो स्मेल आती है तो आप पता करते हो ख़राब है अच्छी है, मीन्स स्मेल से ऑलिफैक्ट्री इंडिकेटर इंडिकेट करते हैं। इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग भी देख लो। ऐसे सब्सटेंस, दो सब्सटेंस हुज स्मेल या ओडोर चेंज इन एसिड और बेस सल्यूशन आर कॉल्ड द ऑलिफैक्ट्री इंडिकेटर। सबसे पहले हम बेस की बात करते हैं, जब बेस की बात करेंगे तो हम यहाँ पर NaOH की बात करते हैं। अगर प्याज के साथ हम NaOH डाल दें तो हम प्याज की स्मेल को कोई भी हमें मतलब प्याज की स्मेल आएगी नहीं। एक वाइट कपड़ा लो उसमें प्याज रखो और उस पर NaOH सल्यूशन डाल दो तो आप देखोगे प्याज की स्मेल वहाँ से गायब हो गई है। बट अगर हम एसिडिक सल्यूशन की बात करें तो जो अनियन की जो है हम HCl के साथ या H2SO4 के साथ कराएं तो हमें उसकी स्मेल आएगी। अब हम और इसमें एक एग्जांपल देते हैं, वेनीला की रिएक्शन फिर हम बेस के साथ करा लें NaOH लिया तो हमें उसकी स्मेल नहीं पता लग रही। आपको पता है वेनीला कितना अच्छा स्मेल देता है, वेनीला आइसक्रीम भी आती है मिली, आप लोगों ने खाई होगी। अगर हम वेनीला की एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, एसिड मतलब HCl के साथ, तो हमें स्मेल तुरंत पता लग जाती है कि हाँ वो सारी स्मेल को नहीं ले जा सकता क्योंकि वेनीला में बहुत अच्छी स्मेल होती है। थैंक यू बच्चों, एसिड जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट एसिड। आप आज सारे इंडिकेटर को नोट्स बना लीजिए और कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए सब्सक्रिप्शन में जाइए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और नीचे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपको ना आए। थैंक यू।